से जो लोग उनको बैठने में कोई दिक्कत ना हो और दूर दूर ना लाइन में बैठो, एक लाइन में हो जाओ जिससे लोग देखें कि हाँ तुम लोग बैठना चाहते। Be calm and quiet for a few minutes. Try to collect your thought. Be aware inside. A great saint told, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। So you should try to close your external door and open internal door. Be aware inside. Close your eyes and mouth. Relax your body. Relax your mind. Only keep your backbone straight. Then your blood circulation will go in proper way. Be calm and quiet and serene. Visualize endless space filled with divine energy. Visualize globe in the space, your body on the globe in the space too. Visualize divine energy is flooding surrounding your body. The same energy is entering in your body through your nostrils in the form of breath and giving you life. Be aware about this fact. So try to pay your attention on the breath. Watch your breath and try to take deep breath, as deep as you can. Visualize that divine energy is entering in your body. In every part of body is full with divine energy. And try to sink your little I-amness, dissolve into ocean of energy. शांति से बैठ जाएं, आँख मुंह बंद कर लें, अनंत आकाश का चिंतन करें जो कि परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ है। ऊर्जा परमात्मा की शक्ति है, वह भी अनंत है। अनंत ऊर्जा ही प्राण के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करके आपको जीवन प्रदान कर रही है। वो आपकी जीवनी शक्ति है। आप अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखें, ये प्राणोपासना की प्रक्रिया है। अनंत प्राण आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, आपके शरीर के चारों तरफ अनंत प्राण का प्रवाह बह रहा है। जैसे घड़े को समुद्र में डुबो दें, घड़े के बाहर और भीतर पानी के सिवा और कुछ नहीं होगा, उसी रूप से आपका ये शरीर इस ऊर्जा के समुद्र में डूबा हुआ है। इसमें बाहर और भीतर ऊर्जा के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसा अनुभव करें, ऐसा ध्यान करें। अपने सीमित अहम की दीवार को, आवरण को
तोड़ दें, उसे ऊर्जा के अनंत समुद्र में डुबो दें से। आपका सारा शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। लंबी सांस लीजिए, जब सांस बाहर निकालें तो ये सोचें कि आपके अंदर जो कुछ अशुभ है उसको आप बाहर फेंक रहे हैं, और जो श्वास अंदर लें तो ये सोचें कि परमात्मा का वह प्रसाद, परमात्मा की ज्योति, परमात्मा की शक्ति आपके शरीर में भर रही है। दुरितानि परासु यद् भद्रं तन्न आसु, वेद का मंत्र इसी भाव को व्यक्त कर रहा है। जो कुछ दुरित है उसको बाहर, और जो कुछ शुभ है उसको अंदर ले। प्रशांत होकर अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखें। ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, व्हाट एवर इज अनडिजायरेबल एंड ऑल मेलिसेस, व्हाट एवर इज इनसाइड, ट्राई टू थ्रो आउट with exhaling. But when you are inhaling, you visualize you are receiving divine energy and fulfilling your body. Pay your attention on the breath. And with your breath, there is two holy words that's called ajpa jap. So and hum are going on always. So with inhaling and hum with exhaling. श्वास अंदर आते समय आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि जैसे सो की आवाज हो रही है, और श्वास बाहर निकालते समय आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि हम की आवाज हो रही है। ये सो हम, ये श्वास प्रश्वास के साथ चलने वाला सहज शब्द है। श्वास पर ध्यान रखते हुए इस शब्द को सुनने की चेष्टा कीजिए। शब्द अपने आप चल रहा है, इसमें बोलना नहीं है, केवल सुनना है। Try to pay attention on this holy sound and try to listen. Be calm and quiet. If you will go in deep, automatically you will listen this sound. Okay, do it few minutes. If you are mind fickle, then you should try to pay your attention on the breath again. On that point, where breath is entering in your body, pay your attention on that point. Take deep breath, long breath, slowly, gently, rhythmically. Only you should try to remove ego, remove barrier, remove obstacles. Automatically, divine energy will fulfill your body. आप चाहें तो अपनी जीवा को तालू से लगा दें, इससे आपको ध्यान में सहायता मिलेगी। Try to put your tongue on the palate. It will help you for your meditation. Okay, continuous. Be calm and quiet and serene.
शांत होकर केवल श्वास के ऊपर ध्यान रखो। गंभीर श्वास लेते हुए परमात्मा की अनंत शक्ति शरीर को पूरा भर रही है। बाहर भीतर अनंत ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। उस अनंत के ध्यान में निमग्न रहो।
canal, pure attention on your eightfold. Vital centers. These are, these centers are in your body. These are projection of eightfold nature. Intellect, ego, mind, ether, air, fire, water, and earth. These eightfold nature manifested in your own body too, in the form of eight vital centers. Be aware, first on the top of head, place of your intellect, that is called Brahma Chakra. Second, middle of eyebrow, place of your ego, that is called Ajna Chakra. Then place of your mind, that is on the palate, that is called Lalana Chakra. Then place of ether in your thyroid, that is called Vishuddha Chakra. Place of air, that is near to your thymus, that is called Anahat Chakra. Place of fire in your navel, that is called Manipur Chakra. And place of water in the root of your generative organ, that is called Swadhisthan Chakra. In the end, lowest sense, above to your lowest sense, place of earth is called Muladhar Chakra. These are eight chakras in your body. In Veda we are reading Ashta Chakra Navadvara Devanam Purayodhya. Your body is nothing but city of deities. All deities are residing in your body. Due to that, your body is called Ayodhya. Ayodhya means peaceful place where there is no any kinds of struggle, there is no any kinds of battles. Very peaceful divine place is called Ayodhya. This is the name of your body. You know that Rama was appeared into Ayodhya. According to Veda, your body is Ayodhya and your Brahma Chakra is that Kanak Bhavan, golden palace, where the divine consciousness incarnated itself in the form of your little I amness. So be aware about it. These eight chakras, and there are nine gates, Ashta Chakra Navadvara, two eyes, two ears, two nostrils, mouth, and two lower senses. These nine gates and eight chakras, these are description of your body, human body. We'll find all these only in human body. Due to that, human body is called Ayodhya. It's considered as Ayodhya. Ayodhya means city of deity.